हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं एक और गुड न्यूज़ लेकर आ चुकी हूँ। ईपीएफओ की तरफ से यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2019 की रिक्रूटमेंट का आज नोटिस आउट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 25 जून 2019 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। आपके अपने ही स्टेट में, अपने ही राज्य में आपको एग्जाम सेंटर्स और जॉब की यहाँ पर लोकेशन मिलेगी। मैं आपको सारा डिटेल्स में बताऊँगी कैसे आपको अप्लाई कर लेना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम सेंटर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, आपके लोकेशन के पास कौन सा एग्जाम सेंटर मिलेगा या यूटी में कौन सा एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा, सारा मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस करना। इसी से आपको फ्री में नोटिफिकेशन आएंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सिलेक्शन कैसे होगी, एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा। सैलरी जैसे कि आप देख पा रहे हैं 44,900 तक आपकी जो है यहाँ पे सैलरी होगी। और फ्रेशर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है और क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहेगी अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करना देखिए स्टार्ट होगा 30 मई 2019 से अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट 25 जून 2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा 30 जुलाई 2019 और 31 जुलाई 2019 तक होगा। पोस्ट का जो नाम है वो असिस्टेंट की पोस्ट आउट हुई है और आपकी 7th लेवल के हिसाब से यहाँ पे सैलरी होगी, यानी कि 44,900 तक आपकी सैलरी होगी। 280 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। और अगर आपने डिग्री की हुई है किसी भी स्ट्रीम में आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी बता ही दी है, और अपने कॉल लेटर्स आप डाउनलोड कर पाएंगे 20 जुलाई 2019 से लेकर 30 जुलाई 2019 तक आप डाउनलोड कर पाएंगे। देन आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके बाद, जो मैंने आपको बताया ये 30 जुलाई 2019 और 31 जुलाई 2019 को आपका प्री एग्ज़ाम होगा। देन आपका मेन एग्ज़ाम जो कि फेज सेकेंड का होगा, मेन एग्ज़ाम देखिए आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके जो रिजल्ट है उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा। और वैकेंसीज़ को यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ है, बाकियों के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ है उसको आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन की जो फीस है देखिए जनरल एंड ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ रखी गई हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो है, और EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो आते हैं उनके लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, ओबीसी के लिए 3 साल का। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे अलग से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे जो एज की लिमिट बताई गई है 27 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे, मतलब मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स प्लस एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्री एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे 20 मिनट्स के, और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 100 होंगे। और 60 मिनट्स का आपका प्री एग्ज़ाम होगा यानी कि फेज़ वन का। और जो मेन एग्ज़ाम है आपका जब रिजल्ट आएगा तब होगा, इसमें रीजनिंग और इंटेलिजेंस के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट्स का ये आपका टेस्ट होगा। देन जनरल का, इकोनॉमी और फाइनेंशियल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 20 मिनट्स का होगा। देन इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, ये भी 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा आपका 40 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के, यानी कि 35 मिनट का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे, 2 आवर्स का होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर जो आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें आपको देखो लेटर आएंगे, प्रेसिस आएंगी और कंप्रिहेंसिव आएगा, ठीक है। इसमें आपके 3 आएंगे क्वेश्चन और 30 मार्क्स के होंगे 45 मिनट्स का, मतलब टोटल आपको 2 आवर्स 45 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे रहेगी। देखिए टोटल जो एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे बनेंगे 31 बनेंगे, मतलब आपके स्टेट में भी बनेगा और यूटी में भी। यहाँ पे अगर आप पंजाब से हैं, पंजाब, चंडीगढ़ और अदर स्टेट्स के लिए अलग अलग है, आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अलग अलग हर लोकेशन के लिए मतलब एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। मैं आपको लिंक दूँगी, सारा नोटिफिकेशन पढ़ना, फिर ही जॉब के लिए अप्लाई करना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।